देखिए दोस्तों, इस शेयर का जो प्राइस है वो 77 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। लेकिन इस शेयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोज़, बहुत सारी ऐसी खबरें आ चुकी हैं मीडिया में, बहुत सारी ऐसी खबरें और वीडियोज़ आ चुकी हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं इस शेयर का जो प्राइस है आने वाले 12 महीनों से लेकर 16 महीनों के बीच में इसका प्राइस 1,000 रुपये से ऊपर जाने वाला है, या फिर 1,500 रुपये से ऊपर जाने वाला है, या फिर 1,500 रुपये को टच करने वाला हो। अभी फिलहाल इस शेयर का जो प्राइस है वो 77 रुपीज़ यानी 77 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम यही जानने वाले हैं, क्या ये जो 77 रुपीज़ का जो शेयर प्राइस है, ये आने वाले 12 महीनों से लेकर 16 महीने के बीच में इसका प्राइस 1,500 रुपये के आसपास जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। और जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है शेयर के बारे में कि भाई ये शेयर जो है आने वाले टाइम में 12 महीने से 15 महीने के बीच में 1,500 रुपये तक पहुँच सकता है, 1,000+ पहुंच सकता है, क्या इस शेयर में वो दमखम है कि ये शेयर आने वाले टाइम में आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसका प्राइस करीब करीब 77 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका प्राइस दोस्तों 1,500 रुपये के आसपास बढ़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल रही हैं, जिससे कि ये और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है इस शेयर की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो क्या कहानी है पूरी, इस कहानी के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। और स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि IRFC का जो शेयर प्राइस है वो 77 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो मैथोलॉजी है वो क्या कहती है आगे आने वाले फ्यूचर में इस स्टॉक के बारे में। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि लोग ये मिथ फैला रहे हैं कि इसका जो शेयर प्राइस है वो करीब 1,500 रुपये के आसपास पहुँचने वाला है, या फिर 1 साल या 1.5 साल के अंदर पहुँचने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर है, जिसका शेयर प्राइस है 77 रुपीज़ 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये एक फाइनेंस बैकग्राउंड का शेयर है, तो यह एक मिड कैप कंपनी का स्टॉक है IRFC। यह एक फाइनेंस कैटेगरी का शेयर है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न कितने ब्राइटली तरीके से, कितने किस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रहा है। और अगर हम इसके 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नेगेटिव रिजल्ट है, और 1 ईयर के चार्ट पैटर्न पर अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्राफ बनकर सामने आ रहा है आपके सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से इस चार्ट ने, किस तरह से इस ग्राफ ने कर्व लिया है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 261.77% का इसने रिटर्न दिया है, और इसका जो हाई लगा हुआ है दोस्तों वो 92.35% का इसका हाई लगा हुआ है। और ये है एक फाइनेंस कैटेगरी का शेयर है, मिड कैप स्टॉक्स का शेयर है, एक 2.35 रुपीज़ का हाई लगा हुआ है, लो लगा हुआ है 21.25% का, और इसने रिटर्न अब तक जो दिया है 261.77% का इसने रिटर्न दे दिया है। 1 ईयर का जो चार्ट पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं की मैट्रिक्स में इसका जो पी रेशो है 15.98 है इसका पी रेशो, पीवी रेशो की बात करें 2.23 इसका पीवी रेशो है, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.94% इसका डिविडेंड यील्ड है, सेक्टर पी 17.38 इसका सेक्टर पी, सेक्टर पी की बात करें 2.36 इसका सेक्टर पी है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड जो कि 0.98% है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2020 में 13 करोड़ 42 लाख की सेल हुई थी, 2021 में 15 करोड़ 77 लाख की सेल है, और 2022 में 22 करोड़ 30 लाख रुपए की सेल हुई है, और 2023 में 23 करोड़ 93 लाख की सेल हुई है। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2020 में 3 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 2021 में 4 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रॉफिट है, और 2022 में 6 करोड़ 9 लाख रुपये का प्रॉफिट है, 2023 में 6 करोड़ 34 लाख रुपये का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग्स का मतलब है कि कंपनी में कितने परसेंट की प्रमोटर होल्डिंग है, उससे डिपेंड करता है कंपनी की आगे की चाल कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग अगर हम यहाँ बात करें तो 86.36% की टोटल प्रमोटर होल्डिंग है IRFC में, और म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 0.77% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की, और टोटल प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको बता, टोटल प्रमोटर होल्डिंग बारे में मैंने आपको बता दिया, 86.36% की टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है 0.77% है, और अदर्स जो इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 1.26% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 1.13% है, और रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है 10.3
48% की है। तो इस तरह से इनकी होल्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है कितना कितना मंथली में इन्होंने किस किस मंथ में कितना कितना अपना स्टेक बढ़ाया या फिर घटाया है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न के बारे में दोस्तों, कि आखिर इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है आगे आने वाले 1 साल से 2 साल के रेंज में। तो अभी दोस्तों आपके सामने IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का चार्ट ओपन हो चुका है जीरोधा में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कर्व बनाते हुए ये चार्ट ऊपर तरफ बढ़ रहा है। और इसका यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इसने एक बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है, मतलब थोड़ा सा नीचे अप डाउन करते हुए उस वक्त इसने जब अपना एक हाई ब्रेक किया 30 रुपये का, तो ये थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद 35 से 40 रुपये तक पहुँचा। उस वक्त जब इसने 40 रुपये का आंकड़ा जब इसने अपना ब्रेक किया, 40 रुपये का जो उसने प्राइस अपना ब्रेक किया, तो ये सीधा पहुँच गया 92 रुपये से लेकर 95 रुपये तक। यानी इसने इसने अपना जो हाई लगाया है 92 रुपये से लेकर 93 रुपये का इसने हाई लगाया है। शुरुआत में इसका आप देख सकते हैं जिग जैग कंडीशन में, मतलब तो छोटा सा एक बॉक्स टाइप क्रिएट करने की कोशिश की इसने। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं जैसे इसने अपना पहला ब्रेकआउट दिया 30 रुपये पर, उसके बाद शेयर थोड़ा सा डाउन हुआ और फिर इसने जो है अपना ब्रेकआउट देते हुए सीधा ये 90+ पहुँच गया। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले 2 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर इस शेयर का जो प्राइस है ये जा सकता है करीब करीब 1500 रुपये के आसपास, यानी 1500 रुपीज़ के आसपास इस शेयर का प्राइस जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, IRFC जो शेयर है यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। और इसमें अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि भाई आगे आने वाले 1 से 1.5 सालों में ये आपके पैसे को 1500 रुपये तक पहुँचा दे, यानी कि अगर आप इसमें 70 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, 80 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके पैसे को 1500 रुपये तक पहुँचा दे। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा दोस्तों, इनके रिजल्ट को देखकर इनका जो फाइनेंस जो इनका जो दोस्तों सेल्स है, जो प्रॉफिट है और जो इनका टोटल ऑल ओवर जो बैकग्राउंड है उसको देखकर मैं एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ दोस्तों, आने वाले 1 से 1.5 सालों में आपका जो पैसा है वो इस शेयर का जो प्राइस है दोस्तों 800 से लेकर 1400 रुपये तक दोस्तों जा सकता है इजीली दोस्तों, अगर इनका थोड़ा सा फोकस इस तरफ और हो जाए इंडियन रेलवे का। तो दोस्तों अगर इंडियन रेलवे का थोड़ा सा फोकस इस पर और बढ़ जाए तो हो सकता है दोस्तों कि 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में इस शेयर का जो प्राइस है वो 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये के बीच में हो सकता है कि पहुंच जाए। ये दोस्तों मेरा कैलकुलेशन है, मैंने इसे जो है इसके फाइनेंस की मैट्रिक्स हैं उसको देखकर मैंने आपको बताया है कि इसका जो की मैट्रिक्स कहता है दोस्तों वो यही कहता है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों के बीच में इसका जो शेयर प्राइस है 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये के बीच जा सकता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं दोस्तों, 1400 रुपये तक इसका प्राइस पहुँच सकता है। देखिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस पर ही हम ये सब चीज़ें बताते हैं, हम कोई भगवान नहीं है। भगवान स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का भाव होता है, यानी कि स्टॉक का भाव जो आ गया वही दोस्तों भगवान होता है यहाँ पर। तो आप दोस्तों किसी को भगवान मत मानिए, किसी को ये मत समझिए दोस्तों कि उसने बोला मैं खरीद लूँ, इसने बोला मैं खरीद लूँ तो मैं खरीद लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए दोस्तों। हाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए दोस्तों, आपको डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों। आपको थोड़ा थोड़ा पैसे हर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए चलना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक रही बात IRFC शेयर के बारे में, तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाले 1 से 1.5 साल में इसका जो प्राइस है, जो फंडामेंटल्स कहता है, जो इसका टेक्निकल कहता है, वो ये कहता है कि आने वाले टाइम में यानी आने वाले 1 से 1.5 सालों बाद इसका जो प्राइस है 800 रुपये से लेकर 1400 रुपये के बीच जा सकता है। जो इसका फंडामेंटल्स कहता है, जो इसका टेक्निकल कहता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको एज एजुकेशनल वीडियो के तौर पर लें, इसे कभी भी रिकमेंडेशन मत मानिएगा दोस्तों। बाकी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, IRFC जैसे बहुत सारे शेयर हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे में ही RBNL का जो स्टॉक है वो भी काफी अच्छा स्टॉक है, आप उसमें भी अपनी होल्डिंग जरूर बनाएं RBNL, जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और जब भी IRFC का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो RBNL का भी शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।